सहरसा जिले से एक खबर आ रही है जहां शुक्रवार को चोरी किए हुए बिजली के ट्रांसफार्मर क्वाइल के साथ तीन अभियुक्त को सहरसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एल्यूमिनियम का क्वाइल 8 पीस जिसका वजन 160 किलोग्राम है और एल्यूमिनियम का बना ट्रांसफार्मर रिंग 49 पीस जिसका वजन 100 ग्राम है जिसको बरामद किया गया। आज शुक्रवार को सदर थाने में SDPO आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रेस वार्ता के दौरान SDPO आलोक कुमार ने बताया कि इधर दो तीन दिनों से 25 KV के ट्रांसफार्मर जिसका सिंचाई में यूज होता है उस ट्रांसफार्मर का क्वाइल और रिंग की चोरी हो रही थी, जिसको लेकर सदर थाने में कांड संख्या 1128/24 दर्ज किया गया था। इस कांड संख्या के अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम है मोहम्मद असगर पिता मास्टर कमाल की गिरफ्तारी की गई थी। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मोहम्मद चांद उर्फ शमसुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर बताया कि मोहम्मद नूर आलम पिता मोहम्मद गफूर के यहाँ हम लोग सामान बेचते हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को इनके घर पर छापेमारी की गई। इनके यहाँ से 6 ट्रांसफार्मर की चोरी किए हुए रिंग और क्वाइल बरामद किए गए, जिसमें सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के 2 स्थानों से और सदर थाना क्षेत्र से 4 स्थानों पर लगे सिंचाई हेतु ट्रांसफार्मर की रिंग और क्वाइल की चोरी हुई थी। सभी को बरामद कर लिया गया है। दो तीन दिनों से ट्रांसफार्मर में 25 KVA का जो ट्रांसफार्मर होता है जो सिंचाई हेतु यूज होता है उसके ट्रांसफार्मर से क्वाइल और रिंग की चोरी हो रही थी। इसी क्रम में सदर थाना कांड संख्या 1128/24 दिनांक 17/10/2024 इसके अनुसंधान के क्रम में एक अभियुक्त जिसका नाम है मोहम्मद असगर पेशर मास्टर कमाल इनकी गिरफ्तारी की गई थी। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मोहम्मद चांद उर्फ मोहम्मद शमसुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया तथा इन दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कि हम मोहम्मद नूर आलम पेशर मोहम्मद गफूर इनको अपना सामान बेचते हैं। इस क्रम में आज सुबह इन लोगों के घर पर छापेमारी की गई, जिनके यहाँ से लगभग 6 ट्रांसफार्मर से चोरी किया गया ट्रांसफार्मर का रिंग और क्वाइल बरामद हुआ है, जिसमें सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र से 2 स्थानों से तथा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 स्थानों पर लगे सिंचाई हेतु ट्रांसफार्मर के रिंग और क्वाइल की चोरी की गई थी। सभी को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है मोहम्मद असगर मोहम्मद चांद मोहम्मद गफूर। जो बरामद सामान है एल्युमिनियम का क्वाइल लगभग 8 पीस है, वजन करीब 160 किलोग्राम। एल्युमिनियम का बना ट्रांसफार्मर रिंग 49 पीस, वजन करीब 100 किलोग्राम। छापेमारी टीम में है पुनी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, कुअनी बजरंगी कुमार, कुअनी सनोज वर्मा, कुअनी मनीष कुमार, कुअनी अरुण कुमार, कुअनी खुशबू कुमारी एवं कुअनी शिवदत्त इसमें शामिल थे।